सागर जिले की रहली के किसान इन दिनों जंगली सुअरों से काफी परेशान हैं, क्योंकि यह सुअर खेत में खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ताजा मामला छिरारी माजा गांव का है, जहां जंगली जानवर सुअरों लगभग 4 से 5 एकड़ में बोई मक्का की फसल को पूरी तरह से नष्ट कर दे हैं। दरअसल छिरारी मौजा गांव में देव पंडितनाथ मंदिर की भूमि प्रतिवर्ष शासन द्वारा नीलाम की जाती है, जिसको किसान शासन के बताए हुए राशि के अनुसार लेते हैं। जहां छिरारी के एक किसान संतोष नाहर ने बताया कि मैंने देव पंडितनाथ की भूमि पैसे मिली थी, जहां लगभग 4 से 5 एकड़ की भूमि पर मक्का की फसल बोई है, जिसे जंगली जानवरों सुअरों ने पूरी तरह से नष्ट कर दिया है। इसकी शिकायत किसान संतोष नाहर ने पटवारी से भी की है, लेकिन पटवारी का कहना है कि इससे मेरा कोई संबंध नहीं है। इसके बाद पीड़ित किसान ने फॉरेस्ट विभाग को भी सूचना दी, लेकिन अब तक विभाग के अधिकारियों से उसका संपर्क नहीं हो पाया, जिसके चलते किसान काफी परेशान है और उसने अब मीडिया के माध्यम से सरकार और संबंधित विभाग से मुआवजे की मांग की है। चाहे पूरे सुंगरा मक्का खा गए हैं, पंडितनाथ की खेती लाए हैं और लोग हाँ। पटवारी से बोली, जिसके लगे हम कुछ नहीं कर सका, जंगल वालों को सूचना दी। अच्छा, पटवारी ने बोला कुछ नहीं कर सकते, क्या चाहते हैं सरकार से, क्या कहना चाहते हैं? जो चाहते हैं कि हम लोगों को क्या तो मुआवजा मिल जाए, नुकसान और ना हम लोगों को जांच हो जाए। कितनी फसल नष्ट हो चुकी है? 15-20 एकड़ मक्का पूरी खा गए, 15-20 एकड़। अभी इसकी जानकारी वन विभाग को नहीं दी। ठीक, क्या समस्या है? समस्या जो पंडितनाथ की खेती किसान लाए हैं, जो कौन किसान लाए हैं, क्या नाम? संतोष नाहर, शीतल यादव और ये नीलाल पाल। हाँ, क्या हुआ है, क्या मामला है? सुअर ने भुंटा खा रहा है, पूरे कुछ बचा नहीं दिया खेती में। हम लोग गए थे तो भुंटा एक नहीं है, उसमें कम से कम 5-6 एकड़ खेती है। हाँ, कुछ नहीं बचा उसमें। क्या चाहते? इसलिए चाहते कि शासन से कछु मुआवजा राशि मिले, कछु चाहे जंगल विभाग देवे, चाहे मध्य प्रदेश सरकार देवे, कोई देवे। ठीक, क्या नाम लिखते आप? महेंद्र कुमार दुबे। ठीक, संतोष ना, क्या समस्या है? अरे पूरी सुंगरों ने फसल खा ली जा, 3 दिन हो गए रेगुलर रोज को पड़ रहा है। इसकी जानकारी फॉरेस्ट विभाग को नहीं दी अभी तक? दी है, सब तहसीलदार को दी है, उन्होंने कही कि ठीक हम चिट्ठी लिखे। क्या चाहते हैं? पाबंदी लगे ही ना सुअरों हो, इसे अच्छे तो ढोर मवेशी भी खा ले तो कछु नहीं, सुअरों को का उपयोग है। सरकार से क्या कहना चाहते हैं? सरकार से जो अनुरोध है कि भैया कछु मुआवजा मिले किसान हो, 30,000 रुपया की एक एकड़ की लागत आ रही। आपकी कितनी फसल नष्ट हुई है? हमारी 4-5 एकड़ की सीधी मिटा दी।